दोस्तों, मैं हूँ ग्रीष्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल भरपेट विद ग्रीष्मा में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। भरपेट विद ग्रीष्मा में आज मैं आपके लिए टूना फिश कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक परफेक्ट स्टार्टर ऑप्शन फॉर पार्टीज। जस्ट इसके प्रिपेरेशन कर लो, फ्रिज में स्टोर कर ले और जब चाहे आप इसे फ्राई कर खा ले। एक यम्मी सी टेस्टी सी बनने वाली टूना फिश कटलेट की रेसिपी, चलिए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने टूना फिश के पीसीस लिए हैं। आप इसके जगह पर किंग फिश या फिर बांगड़ा भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे एक छन्नी में स्ट्रेनर में मैंने फ़िश रखा है और नीचे पानी लिया है और इसे मैं स्टीम करूँगी। ऐसे स्टीम करने से क्या होता है कि फ़िश के न्यूट्रिएंट्स लूज नहीं होते और फिश अच्छी तरह स्टीम हो जाता है। इसे 15 मिनट के लिए आप स्टीम कर लें। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो फ़िश अच्छी तरह स्टीम हो चुका है। अब फिश के बोन्स या फिर काटा अलग करें, डिस्कार्ड करें और इसका जो फ्लैश है, जो मीट है, वो अच्छी तरह श्रेड करके लें। आप वीडियो में देख सकते हो इसी तरह आप सभी फिश मीट श्रेड करके लें। अब इसमें बड़ा साइज का प्याज बारीक कट करके ऐड कर लें। साथ में ऐड करें 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। साथ में ऐड करें 1/2 कप धनिया पत्ता। साथ में ऐड करें 2 मीडियम साइज के आलू, उबले हुए आलू है ये। अच्छी तरह मैश कर ऐड कर ले इसमें बाइंडिंग के लिए और एक अच्छा टेस्ट भी लाते हैं ये आलू। साथ में ऐड करें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार या फिर 2 चम्मच, 1/2 नींबू का रस, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 अंडा। अंडा आप ज़रूर यूज़ करें, अंडे से अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छा फूल जाता है कटलेट। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करें, अच्छी तरह बाइंड होने तक अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप देख सकते हो अच्छी तरह कंबाइन हो चुका है यह मिक्सचर। अब इस मिक्सचर का एक छोटा सा बॉल ले हाथ पर, अच्छी तरह रोल करें और फ्लैट करें। आप चाहे वो शेप दे सकते हो, पर राउंड शेप एक कॉमन शेप है, ये अच्छी तरह फ्राई भी हो जाता है। इसे अच्छी तरह रोल करें, साइड साइड से प्रेस करें। आप चाहे तो मोटा या फिर पतला भी रख सकते हो। अब इसे सूजी या रवा में कोट कर ले, डीप कर ले, अच्छी तरह प्रेस कर ले। इसी तरह आप सभी कटलेट्स बनाकर रेडी करके रख सकते हो फ्रिज में, और अब जब चाहो तब फ्राई कर खा सकते हो। आप टूना फिश के जगह पर बांगड़ा या फिर किंग फिश भी यूज़ कर सकते हो कटलेट्स बनाने के लिए। अगर आपकी शाम की पार्टी है तो आप इसका प्रिपेरेशन बनाकर, कटलेट्स बनाकर दोपहर को या फिर सुबह फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और पार्टी स्टार्ट होने से पहले फ्राई कर इसे सर्व कर लें। कटलेट्स फ्राई करने के लिए तवे पर तेल गरम कर लें और एक एक करके कटलेट्स प्लेस कर लें तवे पर। दोनों तरह से अच्छी तरह फ्राई कर लें, ये जल्दी फ्राई हो जाती है। सावधानी से एक एक करके प्लेस कर ले कटलेट्स। एक तरफ से पक जाने के बाद, फ्राई हो जाने के बाद इसे पलट ले दूसरी तरफ। खाने में बहुत ही यमी लगती है ये, बहुत टेस्टी लगती है ये कटलेट्स। दूसरी तरफ पलटने के बाद अच्छी तरह दूसरी तरफ से भी फ्राई कर ले। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आया है, अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है ये दोनों तरफ से। अब इसके जो साइड्स हैं वो भी अच्छी तरह फ्राई कर लें। इस तरह रोल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें सभी साइड्स। तो लीजिए, टूना फिश कटलेट्स रेडी हैं। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।